खलारी में 50 बेड की क्षमता वाले सीएससी के लिए शुक्रवार को स्थल का चयन कर लिया गया। यह अस्पताल खलारी डीएसपी कार्यालय के बगल में बनेगा। शुक्रवार को विधायक समरीलाल खलारी पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल बनाने को लेकर प्रखंड के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। प्रखंड कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत किया गया। खलारी में सीएससी बनाए जाने को लेकर लोगों ने विधायक का आभार जताया। इस अवसर पर विधायक समरीलाल ने कहा कि खलारी की जनता के लिए यह एक बड़ी सौगात है। विधानसभा सत्र में मेरे द्वारा सरकार से इसकी मांग की गई थी। अस्पताल में सभी तरह की सुविधाएं होंगी। इस दौरान सीमेंट फैक्ट्री से रिटायर्ड कामगारों ने विधायक से मुलाकात कर अपनी समस्या को बताया, जिस पर विधायक समरीलाल ने कहा कि उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए विधानसभा में उनकी आवाज उठाई जाएगी। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार, अंचलाधिकारी प्रणव अम्बष्ट, विधायक प्रतिनिधि श्याम सुंदर सिंह, सांसद प्रतिनिधि फुलेश्वर महतो, जिला परिषद सदस्य सरस्वती देवी, अरविंद सिंह, डॉक्टर इरशाद, प्रीतम साहू, शैलेंद्र शर्मा, विकास दुबे, रविंद्र चौधरी, दिलीप पासवान, जितेंद्र पांडे, रामसूरत यादव, कार्तिक पांडे, आनंद सिंह, अनिल गंझू, राजू गुप्ता, रामधारी गंझू समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। चर्चा हुई है हमारी और लोगों से माल सरकार का शिलान्यास का कार्यक्रम हम लोग शुरू कर देंगे, तो है 10-15 दिन अभी लगने को पहले, तो हमको ऐसा लगता है कि सीओ साहब हम लोग आश्वासन कर देंगे कि उसके पहले हम लोग कागज वगैरह भेज दें। उसके पहले जो हम विधानसभा में अपनी बात को रखे थे, वो पत्रकार जी हम लोग कुछ लोग कहे थे कि आपके पास है तो भाई वो हार्ड कॉपी आप दे देंगे, लेकिन विधानसभा में जिस तरह से हम इसको इस क्षेत्र को विभिन्न जो जिला है उससे हमारा टैग है, उन बातों को रखा था, उनको हम बताएंगे। अभी का जो मॉडल आया है बहुत अच्छा मॉडल है और साइंटिफिक तरीके से जो बिल्डिंग बननी है उस तरह की बनेगी, और उसमें रेडियोलॉजी में हर जांच, आइए रेडियोलॉजी की हर जांच, जिसमें अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, और हम लोग मांग किए हैं, और उसमें बहुत जल्दी हम लोग को डायलिसिस की भी व्यवस्था और अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये हो गया रेडियोलॉजी। पैथोलॉजी में जितने भी जांचें हैं उसका भी टेक्नीशियन और लैब से सुसज्जित ये रहेगा। दो कार्डियोलॉजी एम्बुलेंस रहेगी और विशेषकर गैनेकोलॉजी मेडिसिन, पेडेट्रिक, इस तरह का जो विभाग है, और उसमें भी एक जो बेहोश करने वाला डॉक्टर एनेस्थेसिया, उसकी भी यहाँ जरूरत है, वो भी यहाँ होगी। और हम लोग का प्रयास है कि वर्ल्ड हेल्थ सेंटर से बात हो रही है कि वो लोग एक छोटा ब्लड बैंक कि हेमोफिलिया के काफ़ी पेशेंट इधर है, उसको भी ब्लड की जरूरत होती है, तो उसकी भी सुविधा इसमें उन्होंने कहा है सेक्रेटरी ने, हमसे हेल्थ सेक्रेटरी ने, ये भी सुविधा हम वहाँ देंगे। और जो इसके जो विशेषज्ञ होते हैं वो भी हम वहाँ पर एक देंगे, ताकि एक से ही सब जगह काम चल जाएगा। और जो आधुनिक जो उसके जो उसमें जो पार्ट्स है, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट जो लगेंगे और जो वो सारा उसमें होगा, सभी जो 3-4 विभाग के डॉक्टर जो हम बताए वो भी उसमें निश्चित तौर पर है, टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन भी है उसमें, रेडियोलॉजी का टेक्नीशियन भी है, और जो JNM और सफाई कर्मी, ये अल्ट्रासाउंड का बता दिए कि अल्ट्रासाउंड भी है उसमें। स्थल चयन कहाँ हुआ और कब तक शिलान्यास होने की संभावना? स्थल चयन हुआ है कस्तूरबा स्कूल के बगल में, DSP आवास से लेकर यहाँ तक के बगल में है, पूरब में, और बहुत अच्छी जगह, और सभी लोग बने, चाहे पत्रकार बंधु हो, समाज के हर एक वर्ग के लोगों से संपर्क किया गया, और CO को भेजकर उसकी जमीन की वर्तमान स्थिति को भी दिखाया गया, और जल्दी हम चाह रहे हैं कि आचार संहिता लगे उसके पहले ही इसका शिलान्यास कर दें, तब तीव्र गति से इसका काम हो। और इसी के तहत हम धन्यवाद देना चाहते हैं विशेषकर पत्रकारों को,
और उसके बाद मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो हमारे वरीय साथी हैं, प्रखंड के पदाधिकारी हैं, सभी लोग के प्रयास से आज जो हम लोगों ने चुनाव में वादा किया था उस वादा को पूरा करने में कदम बढ़ा चुके हैं और निश्चित तौर पर इसका प्रतिफल अच्छा। सीमेंट कामगारों की कुछ समस्या भी सामने अभी हमको निश्चित तौर पर जब आए ये बेचारे 30-35-40 सालों से इस क्षेत्र की सेवा में, जो यहाँ एक एसीसी सीमेंट फैक्ट्री थी और वो मालिकाना बदलता गया, लेकिन इनकी हालत जो है और बदतर होती गई। आज नतीजा ये हुआ फैक्ट्री बंद है, उत्पादन नहीं हो रहा है, बल्कि इस कोयला क्षेत्र में सीमेंट के बदले अब सफेद, जो सफेद धूल उड़ती थी अब काली धूल वहां उड़ रही है। और जो उनके जितने फैक्ट्री के जो थे वो उसमें जंग लग रहा है, क्वार्टर में झड़झड़ के गिर रहा है, लोगों को तनख्वाह नहीं मिला है, उनकी ग्रेजुएटी नहीं मिली है और उनको क्वार्टर से भी बेदखल किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाए, किससे बोले कि वो उसका भविष्य उसी पर है, उसका आस उसी पर है। अरे धरती तो ली है छीन, किंतु मुझसे मेरा काश न छीनो, ये आवाज है इन लोगों की और इस आवाज को विधानसभा में कल मैं बोलूंगा।